दिल्ली चलो मोर्चे के तहत किसान पहुंचे दिल्ली बॉर्डर, प्रवेश से रोक रही पुलिस। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली चलो मार्च के तहत किसान सड़कों पर उतर चुके हैं और दिल्ली कूच करने के लिए कल से ही डटे हुए हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा की सड़कों पर किसानों का गुरुवार को हल्ला बोल जारी रहा और उम्मीद की जा रही है कि आज भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। किसान दिल्ली कूच करने के लिए अड़े हुए हैं और पुलिस से कई झड़पों के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज किसान दिल्ली पहुंच सकते हैं और इसके समर्थन में यूपी में भी प्रदर्शन होने की उम्मीद है। बता दें कि इससे पहले भी गुरुवार को दिल्ली कूच के दौरान पूरे दिन किसानों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प होती रही थी। दिल्ली में किसानों को आने से रोकने के लिए भी भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है और कई जगहों पर किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का भी प्रयोग करना पड़ा है। हालांकि तब भी किसान आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब किसान दिल्ली के करीब पहुंच आए हैं और आज किसी भी वक्त राजधानी में प्रवेश कर सकते हैं, मगर उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। इंडिया हॉट टॉपिक्स की रिपोर्ट।